नमस्कार, राजस्थानी किचन संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हेल्दी नाश्ता, जिसमें ढेर सारी सब्जियां डालकर एक पौष्टिक नाश्ता तैयार करेंगे, जो घर के बच्चे हो या बड़े, सबको बहुत पसंद आएंगे। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए यह मैंने 1 कप चावल लिए हैं, और इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था, तो जिससे ये अच्छे से फूल भी जाते हैं और ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अगर आप सुबह का नाश्ता बना रहे हो तो इसको ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। अब इसके पानी को निकाल लेंगे और इसको एकदम बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, इस तरह पीस लेंगे। अब इसको मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। आप इसमें पीसते टाइम भी ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको पीसने के बाद भी पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रनिंग कंसिस्टेंसी वाला रखेंगे। अब इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पैन में ऑयल ऐड करेंगे, साथ ही में 1 चम्मच सरसों ऐड करेंगे। इसी के साथ में 1 चम्मच जीरा, जीरा को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब डालेंगे इसमें सफ़ेद तिल, तो इसका इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ में 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर दीजिए, साथ ही में 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, इसको भी इसमें ऐड कर दीजिए। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच पिसी हुई मिर्ची ऐड कर दीजिए। गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। अब इसको बैटर में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तड़के का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। अब इसको हेल्दी बनाने के लिए कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को ऐड कर दूंगी, साथ ही में थोड़ी सी ग्रेटेड गाजर, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ में बारीक कटा हुआ प्याज, ये मीडियम साइज का एक प्याज लिया है, बारीक कटा हुआ टमाटर, इसी के साथ में एक मीडियम साइज का आलू लिया है, तो इसको भी मैंने ग्रेट करके ऐड किया है। अब डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसमें और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ मैं 1 चम्मच चाट मसाला ऐड कर दूंगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको इसमें और भी सब्जी पसंद हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इनमें सब्जियों का बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है, और ये आप इसको आप बच्चों के टिफिन के लिए या सुबह का हल्का फुल्का कुछ खाना हो तो उसके लिए भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की रनिंग कंसिस्टेंसी वाला रखेंगे, बस इससे ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती हैं। अब इनको रख देते हैं। अब इधर गैस पर पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे और इस तरह ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। ये देखिए, इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करेंगे और अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। आपको एकदम बराबर कर लेना है। ये देखिए, न तो इसे ज़्यादा थिक रखना है और न ही इसे ज़्यादा पतला रखना है। अब इसको कवर कर देंगे, और कवर करके इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, इसका कलर भी काफी चेंज हो गया है और ये नीचे से अच्छे से पक भी गया है। अब इसको पलट देते हैं। ये देखिए, ये नीचे से भी अच्छा सा पक गया है। अब इसको दूसरी साइड भी 1 मिनट अच्छे से पका लेंगे। इस तरह हल्का सा प्रेस करते हुए पका लेंगे। ये नाश्ता कम तेल में बना हुआ है, जो हेल्दी भी है, और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो आप इस रेसिपी की एक बार ज़रूर ट्राई करना।
ये देखिए, अब इसको दूसरी साइड भी पलट देंगे। ये देखिए सब्जियां भी कितनी अच्छी निकल कर आई है और ये अच्छे से पक चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे। ये अच्छे से पक चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। बाकी को भी इसी तरह बनाकर रखेंगे। आप इसको चटनी के साथ या सॉस के साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।